देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हुई। दिल्ली में एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। ताजा मामला दिल्ली के शालीमार बाग थाना क्षेत्र का है, जहां नर्सरी में पढ़ने वाली एक 5 साल की छोटी बच्ची को हवस का शिकार बनाया गया। पूरे समाज को चिंता में डालने वाली ये घिनौनी वारदात उत्तर पश्चिमी दिल्ली के शालीमार बाग थाना क्षेत्र के हैदरपुर की है, जहां पर एक महज 5 साल की छोटी मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। अगर पीड़ित बच्ची के परिजनों की माने तो रविवार की शाम को 5 साल की बच्ची अपने घर के बाहर ही खेल रही थी और पीड़ित बच्ची की मां घर के अंदर खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। कुछ देर बाद ही मासूम वहां से गायब हो गई, जिसके बाद बच्ची के परिजनों ने उसे आसपास ढूंढा। फिर मासूम कॉलोनी के पास पार्क की झाड़ियों में रोती बिलखती हुई लहूलुहान हालात में मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और आनन फानन में पीड़ित बच्ची को जहांगीरपुरी के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में ले जाया गया, जहां पता चला कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। परिजनों की माने तो उन्हें अपने ही पड़ोस में रहने वाले एक शख्स पर शक था, जिसे शाम के समय मासूम बच्ची के आसपास देखा था, जो कि उस समय नशे की हालात में था और घटना के बाद से ही उसका भी कुछ अता पता नहीं। इस हादसे के बाद से ही मासूम अब तक सदमे में है और काफ़ी डरी सहमी हुई है। जी 7 साल की है, जो गली में खेल रही थी बच्चों के साथ और थोड़ी देर के लिए गायब हो गई, जो जंगलों में पाई गई लहूलुहान, और उसको जगजीवन अस्पताल में लाया गया। जो डॉक्टर ने बताया कि उसके साथ बलात्कार हुआ। क्या आपके किसी पर शक है? जी वहाँ के आसपास के लोग बताए कि एक दूसरे लड़का जो दारू पी के घूम रहा था उसको के साथ। कहाँ की घटना है ये? हैदरपुर दुर्गी का है, जो जे अस्पताल के सामने है, आयुर्वेदिक अस्पताल। ये 7:15 बजे लड़की गली के अंदर खेल रही थी सर, लेकिन लड़की को 1 घंटे तक गायब रही, लेकिन पता नहीं लगा। 5 आदमी 4 आदमी वहाँ से लेटरिंग होकर आए तो उसको लेकर आए, लेकिन वो लड़की लहूलुहान थी। लेकिन उसको वहाँ पर बाबू जगजीवन हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पर उसकी पुष्टि हुई कि इसके साथ बलात्कार हुआ है, और लड़की का नाम और उसके पापा का नाम। क्या किसी पे शक है इसके, किस लड़की ने उसके साथ जो है ये दुष्कर्म किया? एक कुनाम नाम का लड़का है सर, वो शराब पी करके गली के अंदर घूम रहा था। फिलहाल पीड़ित बच्ची के परिजनों की शिकायत के बाद शालीमार बाग पुलिस ने बच्ची को मेडिकल के लिए अस्पताल में पहुंचाया और पीड़ित बच्ची के परिवार वालों के बयान पर मामले की गंभीरता को समझते हुए दुष्कर्म व पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि राजधानी दिल्ली में मासूम बच्चियों के साथ रेप की घटना अब दिल्ली की ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चर्चित और गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस व प्रशासन से ज्यादा अब हमें सचेत और सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली, दीपक दहिया, समाचार एक्सप्रेस।